हेलो एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे आपसे फीडबैक चाहिए। ठीक है, कितने लोग लाइव जाते हैं और कितने लोग बेसिकली रिकॉर्डेड लेक्चर जाते हैं? हर एक के अपने मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, मानता हूं मैं। ठीक है, मोस्टली मिक्स सा रिस्पॉन्स है। चलो कुछ बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा भाई। कोई बात नहीं, कुछ लोग मतलब मिक्स रिस्पॉन्स है, कुछ रिकॉर्डेड कह रहे हैं, कुछ लाइव कह रहे हैं, मेजोरिटी कुछ है नहीं है सच। ठीक है, चलो देखते हैं, कुछ सोल्यूशन निकालते हैं इस चीज का। ठीक है, हाँ आई एग्री स्नेहा जी, लाइव के साथ रिकॉर्डेड तो मिलता ही है। देखो रिकॉर्डेड का अपना बेनिफिट है, रिकॉर्डेड का ये है कि आपको टाइम जब मर्जी पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लाइव के लिए आपको अवेलेबल होना पड़ता है, बट ये फॉर्मेट सही है मेरे हिसाब से तो, कि अब मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको। जो लोग लाइव नहीं आ सकते हैं मान लो, ठीक है, वो लोग उनको रिकॉर्डिंग देख ले, मुझे तो ठीक लगता है, बाकी हर एक का अपना पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, तो नो इश्यूज। हाँ टाइम टेबल सही रहता है, तो सही है, अदरवाइज बच्चा लेजी रहता है, जब मर्जी पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा। हर एक के एडवांटेज डिसएडवांटेज है, कुछ हो, कुछ लोगों को बफरिंग होती होगी। कितने लोगों को बफरिंग होती है जब मैं पढ़ाता हूँ, जब मैं टीच करता हूँ, कितने लोगों को ढंग से विजिबल मतलब विजिबल नहीं होता या साउंड क्लियर नहीं आती? चलो देखते हैं कितने लोगों को बीच बीच में से सर सही विजिबल होता है, बीच बीच में से साउंड प्रॉब्लम आती है। नो प्रॉब्लम। चलो ये पता है इश्यूज, पता है क्या है इश्यूज, ये हैं जिनका नेट थोड़ा वीक होता है ना बच्चा, उनको इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, जिनका नेट ठीक है उनको इश्यू नहीं आएगा। चलो कुछ सोल्यूशन निकालते हैं इस चीज का। ठीक है बच्चा, गॉट योर पॉइंट, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, अब आगे बढ़ते हैं बच्चा। ठीक है, चलो लास्ट टाइम हमने बात कर ली थी बच्चा, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने बात कर ली थी। ठीक है, दोनों फॉर्म से कर लिया था हम लोगों ने, एक तो कैलकुलस फॉर्म से भी कर लिया था और एक हमने कर लिया था ग्राफिकल मेथड्स। ठीक है, मैं आप लोगों का टेस्ट प्लान कर रहा हूं, ठीक है, इस सैटरडे को। ठीक है, तो उसमें यूनिट एंड डायमेंशन का आपका टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड। चलो अब बात करते हैं बच्चा, नेक्स्ट जो लेवल के क्वेश्चंस हमें करने हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन को हम अप्लाई करना सीखते हैं। एप्लीकेशन, मैंने आपको साइन कन्वेंशन शायद बता दिया था कल आपको, कि साइन कन्वेंशन कैसे हम यूज कर सकते हैं किसके अंदर, इक्वेशन ऑफ मोशन में। एस की बात हमने कर ली थी, ठीक है, और हमने बात कर ली थी, हाँ जी एरर भी इंक्लूडेड होगा उसमें यूनिट डायमेंशन में। चलो अब सुनो, अप्लाई करना सीखते हैं, कुछ एलिमेंट्री प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, जिससे हम बात बन जाए हमारी। तो मान लो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं मोशन अंडर ग्रेविटी। एक तो बच्चा टाइम पे आया करो, आप लोग टाइम पे नहीं आते हो, कुछ लोग आप एडमिट हो रहे हैं। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में बच्चा हम जो पढ़ेंगे ना, वो क्या पढ़ेंगे सुनो, एक पार्टिकल है मेरे पास, उसको मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं यू से अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, वो किसी हाइट तक गया, किसी
किसी हाइट तक गया, एक तो वो हाइट निकालनी है मेरे को, और कितना टाइम उसे लगा यहां से लेके यहां तक पहुंचने में। दो चीजें निकालनी है, एक तो टाइम ऊपर जाने का, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, और ये एच जो है वो मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, तो दो चीज मुझे निकालनी है, एक तो मैक्सिमम हाइट निकालनी है मुझे, और क्या निकालना है, टाइम ऑफ असेंट निकालना है। तो ये हमें निकालना है किससे, इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालना है। तो जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई करते हो तो सबसे पहला चीज आपको पूछना है अपने आप से कि मोशन कैसा है, क्या ये मोशन 1D है। दो सवाल पूछने हैं आपसे, क्या मोशन 1D है, क्या एक्सलरेशन कांस्टेंट है। अगर इन दोनों का आंसर यस है कि मोशन 1D है और एक्सलरेशन कांस्टेंट है, तभी आप अप्लाई कर पाओगे क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब मैं किसी पार्टिकल को वर्टिकली ऊपर छोड़ रहा हूं, फेंक रहा हूं उसको, तो मोशन कैसा है, 1D है। ठीक है बच्चा, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन जा रहा है मेरे पास। अब क्या एक्सलरेशन कांस्टेंट है, तो जब कोई पार्टिकल को ऊपर फेंकता हूं तो उस पर सिर्फ एक ही फोर्स लगती है, वो कौन सी फोर्स लगती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी लगता है कितना, वर्टिकली डाउनवर्ड mg, ये फोर्स है। तो F इज इक्वल टू ma होता है, सब लोग जानते हो। F की वैल्यू कितनी है, mg इज इक्वल टू ma कर दूं तो m ने m को मार दे मैं, तो a की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, g, और g हमारे पास फिक्स्ड है, g फिक्स्ड है, जिसकी वैल्यू हम लेते हैं 9.8 या 10 लेते हैं हम लोग, होती 9.8 है लेकिन क्वेश्चन के लिए हम लोग 10 यूज कर लेते हैं, अनलेस इट इज गिवन, अनलेस इट इज गिवन, ये 9.8 ले लिया। ठीक है बच्चा, तो इस सिनेरियो में मेरे पास क्या है, एक्सलरेशन भी कांस्टेंट है मेरे पास, और दूसरा मेरे पास क्या है, 1D मोशन, तो मैं इसे अप्लाई कर सकता हूं। तो अब मुझे बताओ हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है बच्चा, 0। तो मुझे टाइम निकालना है, ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए मैं कौन सी इक्वेशन यूज कर सकता हूं, सारे ऑप्शन ट्राई करो, ठीक है, कौन कौन सी इक्वेशन मैं कर सकता हूं। देखो आपकी जो भी इक्वेशन है, मान लो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इन सब में बताओ कितने वेरिएबल हैं, वी U, A और S, तो आपके पास 4 वेरिएबल हैं। तो अगर आपको 3 गिवन हो तो फोर्थ निकल जाएगा, मानते हो इस चीज को बच्चा। ठीक है, अब मेरा पहला क्वेश्चन क्या था, टाइम निकालना है, तो इसी क्वेश्चन टाइम तो आ ही नहीं रहा मेरे पास, ठीक है, तो टाइम नहीं आ रहा तो कौन सी क्वेश्चन यूज करूं, दो ही क्वेश्चन बचती है मेरे पास, कौन कौन सी, एक तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर और एक v इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, तो दोनों में ट्राई करके देखते हैं कौन सा ज्यादा सूट करता है। मान लो बात करते हैं v इक्वल टू u प्लस 80 अप्लाई करता हूं मान लो, ठीक है, और दूसरी क्वेश्चन क्या है मेरे पास, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ठीक है, अब मैं पहले इसको ट्राई करता हूं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, क्या मुझे पता है s, H तो मुझे निकालना था बच्चा, H तो मुझे निकालना था, तो एक वेरिएबल क्या आ गया, H आ गया। U मुझे पता है, वेरी गुड, पता है मुझे। टाइम मुझे नहीं पता है, टाइम नहीं पता है, A पता है। तो इस इक्वेशन में दो अननोन है, कौन कौन से, एक तो S और एक T। तो एक इक्वेशन से दो अननोन निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये तो यूज नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो क्या यूज करें, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 की बात करते हैं, v तो मुझे पता है हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है बच्चा, 0 होता है, u मुझे गिवन है और a मुझे पता है, तो जो नहीं पता है वो टाइम नहीं पता है,
तो इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है जो नहीं पता है मुझे, तो मैं इसे यूज कर सकता हूं बच्चा। ठीक है बच्चा, समझ में आ गए पॉइंट? तो मैं यूज करूंगा बच्चा v इज इक्वल टू यू प्लस एट। v को जीरो पुट कर दिया, अब u ऊपर था, देखो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर थी मेरे पास, एक्सलरेशन नीचे था। मैंने कल आपको कन्वेंशन बताया था, अपवर्ड को मैं क्या मानता हूं पॉजिटिव, डाउनवर्ड क्या मानता हूं मैं नेगेटिव मानता हूं। तो u तो ऊपर की तरफ है तो u तो पॉजिटिव ले लूंगा, और g नीचे की तरफ है तो प्लस तो फॉर्मूले में है, और a की वैल्यू क्या आएगी माइनस g इंटू t। तो इससे बच्चा वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, जी टी इज इक्वल टू यू, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास u बाय g। ये मैंने शायद कल लास्ट टाइम आपको कराया था शायद, ठीक है, तो मैंने रिपीट रिवाइज करा दिया आपको शायद ये, ठीक है। अब हाइट निकालनी है, कहां तक बॉल गई है वो हाइट निकालनी है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं? यहां से प्रोजेक्ट किया मैंने किससे, यू से, कितनी मैक्सिमम हाइट तक गया वो निकालना है। तो देखो यहां पे मुझे पता होता है हाईएस्ट पॉइंट पे बी जीरो है, और मुझे एक्सलरेशन पता है नीचे की तरफ जी, तो कौन सी इक्वेशन यूज करूं? ये मुझे एच निकालना है, सजेशन दो कौन कौन सी इक्वेशन यूज कर सकता हूं। यू स्क्वायर बाय टू जी, पुट वैल्यू ऑफ टीन, वेरी गुड शाबाश। ठीक है बच्चा, तो दो चीज यूज कर सकता हूं मैं। अब मुझे टाइम तो पता है, मुझे इस पॉइंट से यहां तक का टाइम तो मैं जानता हूं, टाइम निकाल चुका हूं u by g। तो either I can use v square minus u square is equal to 2s, or I can use s is equal to ut plus half at square। क्यों? क्योंकि s तो मुझे निकालना है, ठीक है, u मुझे पता है, t मुझे पता है, a मुझे पता है, t मुझे पता है, तो a की अननोन निकाल सकता हूं इससे भी। इसके अंदर मुझे v पता है जीरो है, u पता है, a पता है, s निकालना है, तो दोनों इक्वेशन एप्लीकेबल है, तो मैं इसे यूज कर रहा हूं। तो v तो क्या है जीरो, तो जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू टू, a की वैल्यू क्या आएगी माइनस g इंटू s, तो माइनस ने माइनस को मार दिया, तो s की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास u स्क्वायर बाय टू जी। ये कल चर्चा कर चुके थे हम लोग इतनी बात, ठीक है बच्चा। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहां तक कोई तकलीफ है बच्चा किसी बच्चे को? अब इस पे सवाल देखते हैं, सवाल कैसे आते हैं इसमें, ठीक है। तो सवाल मैं आपके सामने पेश कर दूं, चलो क्वेश्चन पुट कर रहा हूं मैं आपके सामने। एक पार्टिकल को मैं थ्रो कर रहा हूं, आप पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 100 100 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है जी। आपसे पूछा है पहला सवाल, मैक्सिमम हाइट निकालनी है आपको अटेंड बाय पार्टिकल। सेकेंड चीज जो आपको निकालनी है वो है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तीसरी चीज जो आपको निकालनी है बच्चा इसमें, वो निकालना है वेलोसिटी एट 200 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, ये निकालना है आप, ये तीन पार्ट करने हैं, तो प्लीज ट्राई करो और मुझे बताओ। पहले दो पार्ट तो मैं बता चुका हूं, तीसरा पार्ट भी मैं करा दूंगा आपको, पहले ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ।
जी को 10 ले लेना बच्चा। चलो एक का आंसर आ गया मेरे पास, बाकी लोग मुझे आपसे ना बेसिकली अप्रोच चाहिए। कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, अप्रोच मैटर करती है। बाकी लोग कोई कर नहीं रहा क्या भाई, आंसर नहीं आया अब तक? गुड, ए को -10 लेंगे। यस, अगर आप वर्टिकल को अपर को पॉजिटिव ले रहे हो तो ठीक है। -10 किसका आ रहा है? -5 मीटर किसका आता है यार? टी तो सबने सही निकाला है। ठीक है, ऑलमोस्ट सब लोग सही कर रहे हैं, टाइम तो सही निकाला सब लोगों ने। एस में दिक्कत लग रही है मुझे कुछ बच्चों की, ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। चलो ठीक है, एस भी सही आ रहा है बच्चों, कुछ को सही आ रहा है, अब आने लगा एस। गुड गुड गुड, यस। चलो देखो, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। अब सुनो, सबसे पहले क्या पूछा है आपसे, मैक्सिमम हाइट पूछी है। फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम हाइट का, आपको याद है? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप लोग, वो क्या है मेरे पास, यू स्क्वायर बाय 2g। यू की वैल्यू कितनी है बच्चा, 10 से फेंका मैंने, सॉरी 100 से फेंका था मैंने क्या, या 10 से फेंका था, 100 से फेंका था, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर बाय 2 टाइम्स जी, जी की वैल्यू 10 पुट कर दें हम लोग, ठीक है, तो कट गया ये, यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई, 500 आ गई, ठीक है बच्चा, यहाँ तक कोई तकलीफ? टाइम जो था मेरे पास वो था u बाय जी, मानते हो, तो u कितना मेरे पास 100, जी कितना है 10, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 10 सेकेंड। कुछ लोगों ने लगता है मुझे g को विद साइन पुट कर दिया नेगेटिव, वो इक्वेशन लिखते टाइम लिखते हैं साइन, अदरवाइज जो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो g को क्या करना है, सिंपल पुट करना है, वैल्यू पुट करनी, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों की वेलोसिटी 2000 आ रही है, ओके, हाँ जी भूमिका जी बोलो, चलो मैं करता हूँ नेक्स्ट सवाल करता हूँ मैं, कोई डाउट है भूमिका जी टाइप कर सकते हो आप, ठीक है। लोगों के आंसर, अच्छा बाय मिस्टेक, कोई बात नहीं। तो V निकालना है, किस हाइट पे निकालना है V बताओ बच्चा मेरे को, V निकालना है 200 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, और प्रोजेक्ट किया था मैंने 100 से, तो ऐसे डायग्राम बनाओ पहले देखो, कि मैंने प्रोजेक्ट किया किससे, 100 से प्रोजेक्ट किया, और जब वो 200 की हाइट पे है तब मुझे क्या निकालना है बच्चा, V निकालना है, ठीक है। तो मुझे h पता है, ठीक है बच्चा, u पता है, a पता है, निकालना क्या है, v निकालना है। तो ऐसी इक्वेशन सोचो जिसमें u, v, a और h हो, ठीक है, तो वो इक्वेशन कौन सी है मेरे पास, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, मानते हो बच्चा, तो v तो निकालना है, तो v स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी है 100, तो 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स a, a पॉजिटिव लू नेगेटिव लू, a नीचे की तरफ है बच्चा, तो मैं क्या लू, -10 ले लू इसमें, इन टू s, s पॉजिटिव, s तो खैर मुझे दे रखा है, s पॉजिटिव लू नेगेटिव लू, ऊपर जा रहा है ना बच्चा ये, तो यहां से यहां जा रहा है,
और अपवर्ड डायरेक्शन मैंने क्या लिया, पॉजिटिव, तो क्या ले लू इसको मैं, पॉजिटिव ले लू कितनी, 200, तो v स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, तो ये 100 तो चल जाएगा मेरे पास, 100 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया मेरे पास 400, तो ये है ही 400, तो ये था ही 400 × 10 यानी 4000 हो गया मेरे पास ये, प्लस 100 का स्क्वायर। हाँ जी बच्चा, सबका आंसर यही आया क्या? हाँ जी, तो करते हैं इसको, क्या आ रहा है बच्चा आंसर सबका, कितना आ रहा है, 20√10 आ रहा है। ठीक है जी, सबने ऐसे किया है, कुछ गड़बड़ की है सबने? सबके आंसर बताओ मुझे, सबने ऐसे किया ना, कर लोगे सॉल्व, इसका रूट निकालना है, रूट तो निकाल सकते हो, बड़ी बात नहीं है। सर लास्ट पार्ट समझ में नहीं आया, स्नेहा जी ओके सुनो, देखो देख बच्चा, इसमें क्या दे रखा था बच्चा कि ना वो ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है, कितने 100 से प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, और वो 200 पे कितनी वेलोसिटी बची है उसकी, ये पूछा है आपसे, ठीक है बच्चा। तो देखो ग्रेविटी नीचे लगती है, वो उसकी स्पीड कम करेगी, इतना मुझे पता है कि 100 से कम आंसर आएगा, पक्की बात है, ठीक है। अब कितनी हाइट पे क्या, वो 200 पूछा है उसने, अब वो ऊपर जा रहा है, मेरा कन्वेंशन क्या था बच्चा, मेरा कन्वेंशन था कि ऊपर वाले को पॉजिटिव मानो और नीचे वाले को क्या मानो, नेगेटिव मानो। अब यू तो मेरा ऊपर था, कितना था, 100 था, तो मैंने यू को पॉजिटिव पुट कर दिया, 100 माइनस फॉर्मूले में था बच्चा, ठीक है, और ए तो मेरा नीचे था तो मैंने -10 पुट कर दिया इस फॉर्मूले में। एस मेरा देखो मोशन किधर है, इनिशियल पॉइंट मेरा ये था और फाइनल पॉइंट मेरा ये था, तो डायरेक्शन मेरा ऊपर की तरफ, इनिशियल से फाइनल जाता हूं, तो एस तो मेरा पॉजिटिव आएगा, तो मैंने पॉजिटिव पुट कर दिया यहाँ पे। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चा? तो ये माइनस क्या आएगा मेरे पास, -4000 प्लस 100 का स्क्वायर, ठीक है, उसका रूट लेना है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा बच्चा, रूट ले लोगे तो। स्नेहा जी अभी भी कोई दिक्कत है क्या, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं? किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें? चलो चलो, मेरा फंडा सिर्फ बच्चा यही है, कंसेप्ट सीख लो, बाकी तो मैथ्स है, आप सॉल्व कर सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताऊं, मुझे सुनो, एक कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको, सुनो, इस पे एक अच्छा क्वेश्चन दूंगा, मजा आएगा क्वेश्चन करके आपको, सुनो। देखो अगर मैं किसी पार्टिकल को उछालता हूं ऐसे, वो ऊपर गया फिर नीचे आया, तो जो टाइम ऑफ असेंट होता है मेरे पास, जो टाइम ऑफ असेंट है मेरे पास, वही मेरे पास क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट होता है, मानते हो बच्चा? तो ऊपर जाने का टाइम क्या था, U by G था, तो नीचे आने का टाइम भी क्या होगा, U by G होगा। तो अगर टोटल टाइम पूछ लूं ऊपर जाने का और नीचे आने का, मतलब यहां से यहां तक के दो पॉइंट के बीच का टाइम जो है वो क्या होगा, 2U/G। इतनी बात पल्ले पड़ती है बच्चा सबको, ठीक है। और एक चीज याद रखना बच्चा, अगर मैं इसे प्रोजेक्ट कर रहा हूं यू से यहां पे, तो जब वो सेम लेवल पे आएगा, जब वो सेम लेवल पे आएगा तो उसकी रफ्तार यू होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो क्या है, 2U/G। दूसरा, अगर मैंने इसे 10 से प्रोजेक्ट किया ऊपर ऐसे, तब जब वो सेम लेवल पे नीचे आ रहा होगा तब उसकी वेलोसिटी 10 ही होगी, सेम हाइट पे सेम वेलोसिटी होगी लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ऊपर जाते टाइम वेलोसिटी ऊपर, नीचे आते टाइम वेलोसिटी नीचे होगी। ये बात सबको समझ में आ रही है बच्चा? अगर ये बात समझ में आ रही है तो मैं आपको नेक्स्ट सवाल दे सकता हूँ, बढ़िया वाला, प्लीज एक्सप्लेन अगेन। ओके चलो, एक बच्चे ने पूछा कि एक्सप्लेन कर दो वापस से, सुनो देखो, जिसने रेज हैंड किया बच्चा टाइप कर दो चैट बॉक्स में। देखो बच्चा सिंपल सी बात है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है वो टाइम मैं बता चुका हूं आपको, वो तो U/G,
उतना ही टाइम मेरे पास नीचे आने में लगता है। बाय एनर्जी कंजर्वेशन भी कर सकते हो आप, ठीक है, बाकी कॉमन सेंस है देखो, क्योंकि ए हमेशा सेम लग रहा है, पहले ए घटा रहा है वेलोसिटी को, फिर ए बढ़ा रहा है वेलोसिटी को, ठीक है। डिस्टेंस भी सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, मानते हो, दोनों का एक्सलरेशन सेम है, ठीक है, और वेलोसिटीज भी सेम आएंगे एनर्जी कंजर्वेशन से। तो एस सेम है, ए सेम है, बी सेम है, तो बच्चा टी भी सेम आएगा। तो बच्चा जो टाइम मुझे ऊपर जाने में लगता है वही टाइम नीचे आने में लगता है, तो टोटल टाइम तो क्या हो गया, टू यू बाई जी, ठीक है। अगर मान लो एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया मैंने यहाँ से, 20 से प्रोजेक्ट किया, ये ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, जब वो सेम लेवल पे, बिल्कुल सेम वर्टिकल लेवल पे, तो उसकी रफ्तार क्या होगी, 20 ही होगी लेकिन नीचे की तरफ। तो दो फंडे बताए मैंने, टोटल टाइम, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आएगा, टू यू बाई जी, और सेम लेवल पे रफ्तार सेम आएगी, बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। अब पल्ले पड़ा बच्चा, हाँ जी परमजीत जी आ गया, टेक्स्ट कर दो बच्चा, ओके थैंक यू। अब मैं एक सवाल दे रहा हूं, बढ़िया सवाल है, जो ये सवाल सही करेगा उसे ₹5 नगद इनाम पेटीएम के जाएंगे, ठीक है। चलो एक पार्टिकल है, उसको मैंने एयर में फेंका, इज थ्रोन अप, और क्या दे रखा है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम सबको मिला के क्या दे रखा है, 3 सेकंड दे रखा है, ठीक है बच्चा। अब पूछा क्या आपसे, एवरेज वेलोसिटी पूछी आपसे, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी उसने दे दी कि 1 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी इन 1 सेकंड वो दे रखी है, वो वी है, और पूछा क्या है, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग सेकंड सेकंड कितनी है, और ड्यूरिंग थर्ड सेकंड कितनी है, ये आपसे पूछा गया। अब आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, तो दूसरे सेकंड में कितनी एवरेज वेलोसिटी ये पूछी गई है, और तीसरे सेकंड में कितनी एवरेज वेलोसिटी ये पूछी गई है। तो प्लीज ट्राई करो, आपको 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दबाजी मत करना, लेकिन आंसर सही निकालने की कोशिश करो, जो सही निकालेगा ₹5 नगद इनाम।
हाँ जी, हुआ किसी का? नहीं हुआ सर, कैसे होगा, नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, 15 मीटर पर सेकेंड इन एवरी सेकेंड। वाह गुड। V/2, V/3, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। चलो मेरे 5 रुपये बच गए। चलो बच्चा वेलोसिटी पूछिए। आप डी बोल रहे हो, ठीक है, डी तो आ नहीं सकता, वेलोसिटी के भी डी थोड़ी होगी, डिस्टेंस थोड़ी होता है। ठीक है चलो भाई, मेरे 5 रुपये बच गए। चलो अब मैं कराता हूँ, ठीक है। चलो +15, V+15। चलो कोई बात नहीं, आपने ट्राई किया, वेरी गुड। मेरा पर्पस था सिर्फ ट्राई कराना, ठीक है। अब सुनो, बहुत इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं था एक्चुअली, थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, बट कॉमन सेंस इज अ रेयर सेंस। चलो जीरो, आई थिंक किस में जीरो? 2V। चलो लोग ट्राई कर रहे हो, वेरी गुड बच्चा, आई अप्रिशिएट योर एफर्ट, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं करता हूँ सोल्यूशन। बच्चा आप चैट करना बंद करो और सिर्फ सोल्यूशन पे ध्यान दो, ठीक है बच्चा? चलो वेल ट्राई। अच्छा एक बात था मुझे, अब मैं इसको सोल्यूशन दे रहा हूं आपको, दो तीन दो पॉइंट आपको पता है, उसी से मैं सारा कुछ कर दूंगा। देखो सुनो, मैंने क्या दे रखा है, मैंने दे रखा है टाइम ऑफ फ्लाइट जो है बच्चा, वो दे रखी है 3 सेकंड, मानते हो? तो मुझे पता है जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, इतनी बात मानते हो सब लोग? और टोटल टाइम 3 है, तो ऊपर जाने का टाइम कितना होगा? 1.5, और नीचे जाने का टाइम कितना होगा? 1.5। इतनी बात सब लोग मानते हो बच्चा, ठीक है। अब देखो सुनो, इसने क्या बोला कि एवरेज वेलोसिटी 1 सेकंड में दे रखी है, एवरेज वेलोसिटी 1 सेकंड की वी है, तो हम इसे इससे बांट लेते हैं। मान लो यहां से लेके यहां तक का 1 सेकंड मान लेते हैं, फिर आधा सेकंड और चला 0.5, आधे सेकंड में फिर से वो यहां पे आएगा, मानते हो? फिर 1 सेकंड और ऐसे ऐसे ब्रेक कर लूं बच्चा, कोई पाप तो नहीं किया मैंने, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक की जो एवरेज वेलोसिटी है वो वी दे रखी है, वो क्या दे रखी है? वी, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्प्लेसमेंट अगर मैं डी मान लूं, ये डिस्प्लेसमेंट अगर मैं डी मान लूं, और टाइम क्या दे रखा है? 1 दे रखा है मुझे, ठीक है, तो D/1 की वैल्यू V आ गई। इतनी बात पल्ले पड़ती है? अच्छा वो तो गिवन है, मेरे पास कोई खास बात नहीं है। तो इस D की वैल्यू पता लग गई मुझे कि D की वैल्यू क्या है? V है। यहां तक कोई तकलीफ बच्चा? ठीक है। अब मुझसे पूछा क्या है कि सेकेंड 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 में कितना एवरेज वेलोसिटी? तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है बच्चा वो क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये सब लोग जानते हो बच्चा। अब इस डायग्राम को देखो, 1 सेकंड यहां खत्म हो रहा है, आधा सेकंड ऊपर चला, फिर आधा सेकंड नीचे चला, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या आ गया? 0। टाइम कितना है? 1 सेकंड। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई मेरे पास? 0 आ गई बच्चा, मानते हो? तो सेकंड सेकंड में तो आधा सेकंड तो वो ऊपर चला और आधा सेकंड वो नीचे चला, जितना ऊपर गया उतना नीचे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो क्या आ गई वाई डायरेक्शन में? 0। डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी भी 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं थर्ड सेकंड। थर्ड सेकंड स्टार्ट कहां पे हो रहा है? यहां से स्टार्ट हो रहा है थर्ड सेकंड, ठीक है बच्चा, और खत्म कहां हो रहा है? यहां पे। तो जितना डिस्प्लेसमेंट ये था उतना ही डिस्प्लेसमेंट यहां होगा, तो यहां डी था तो यहां पे भी डी, मानते हो बच्चा? तो थर्ड सेकंड में अगर बात करूं मैं किसकी, एवरेज वेलोसिटी की बात करूं मैं, तो वो फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। बस फर्क क्या है, इसमें डिस्प्लेसमेंट ऊपर था
फर्स्ट सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ था, थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो डिस्प्लेसमेंट का साइन बदल जाएगा, यानी क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस डी हो जाएगा। टाइम कितना है, 2 से 3 का टाइम कितना है, 1 सेकंड, तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी। और डी की वैल्यू हम जानते हैं वो क्या है, वी है, तो पुट कर दो यहां पे, तो क्या आएगा, माइनस डी आएगा। तो मेरा आंसर क्या आया बच्चा, मेरा जो आंसर आया वो आ गया सेकंड सेकंड में, तो आंसर क्या है, 0 है, और थर्ड सेकंड में जो आंसर है वो क्या है मेरे पास, सेकंड सेकंड में एवरेज वेलोसिटी 0 और थर्ड सेकंड में एवरेज वेलोसिटी जो आ रही है मेरी माइनस बी आ रही है। कितने लोगों को मेरी बात पूरी पूरी समझ में आ गई, अगर किसी को डाउट है आई कैन रिपीट, प्लीज टेक्स्ट मी इन द चैट बॉक्स। सर दोबारा बताना, क्लियर, रिपीट करो। चलो इट्स क्लियर, कुछ को तो क्लियर है, कुछ को क्लियर नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मेजोरिटी को आप क्लियर नहीं है, वापस लाता हूं, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, सुनो क्वेश्चन अच्छा है बच्चा, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखो बच्चा, मैंने क्या बोला, एक पार्टिकल को मैंने प्रोजेक्ट किया, पहले वो ऊपर गया फिर वो नीचे आया, जितना टाइम ऊपर जाने का उतना ही टाइम नीचे आने का, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। टोटल टाइम क्या था, 3 सेकंड था, तो इसका आधा टाइम क्या होगा, 1.5 सेकंड, तो वो 1.5 सेकंड तो गया ऊपर और 1.5 सेकंड वो नीचे आया। यहां तक किसी बालक को कोई डाउट है बता दो मुझे चैट में, कि मैंने टाइम आधा था कैसे बांटा, है डाउट किसी को, अगर है तो चैट में भेज दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, नो सर, चलो जी, थैंक यू। अच्छा अब सुनो, देखो मुझे पता है कि 1 सेकंड तक का एवरेज वेलोसिटी दे रखा था बंदे ने, मुझे पता है 1.5 सेकंड तक तो वो ऊपर गया, लेकिन मुझे 1 सेकंड का एवरेज वेलोसिटी दे रखा है, मान लो ये 1 सेकंड है, तो ऊपर कितना बचा, 0.5 सेकंड बचा, इतनी बात पल्ले पड़ती है, ऊपर जाने का प्रोसेस है, 1 सेकंड का मुझे एवरेज वेलोसिटी दे रखा था। अब मैंने एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट किया, वो होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब मान लो मुझे पता नहीं, मैंने डी लेट कर लिया कि यहां से इनिशियल पॉइंट से यहां तक वो डी चला, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डी मैंने मान ली है, गिवन नहीं है, तो एवरेज वेलोसिटी मुझे वी दे रखी है, तो देखो कितना डिस्प्लेस हुआ 1 सेकंड में, डी अपवर्ड डिस्प्लेस हुआ बच्चा, अपवर्ड को क्या मानता हूं मैं, पॉजिटिव मानता हूं, तो मैंने यहां डी पुट कर दिया। टाइम कितना है, 0 से 1, तो यानी 1 सेकंड का टाइम, तो डी बाय 1 कर दिया, तो इससे मुझे v की वैल्यू d के बराबर आ गई। यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज टेक्स्ट मी, जिसको आ गया वो कुछ ना करे। ठीक है बच्चा, कोई डाउट नहीं है, ठीक, ये समझ में आ गया। अच्छा अब एक इससे मैंने यूज कर, गिवन चीज से मैंने निकाल लिया कि v की वैल्यू d के बराबर, ठीक है, अब उसने क्या पूछा कि आप बताओ कि भाई सेकंड दूसरे सेकंड में एवरेज वेलोसिटी कितनी है ये बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी कि 2 सेकंड में वो कितना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था देखो कि सेम टाइम में वो जितना ऊपर जाता है उतना ही सेम टाइम में वो नीचे आता है, देखो यू बाय में जी टाइम मेरे पास था तो वो ऊपर गया था उतने टाइम में वो नीचे आया था, ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम सेम होता है मानते सब लोग, तो नेक्स्ट हाफ सेकंड देखो 1.5 सेकंड उसका क्या था, ऊपर जाने का टाइम था, तो 1 सेकंड तो यहां बीत गया, अब आधा सेकंड जो बचा वो ऊपर ही जाएगा, आधे सेकंड बाद वो हाईएस्ट पॉइंट पहुंच गया, तो आधे सेकंड तक तो ऊपर जाएगा, फिर नेक्स्ट आधे में भी वो नीचे आएगा मानते हो, तो ये वाला टाइम 0.5 और ये वाला टाइम 0.5
दोनों को मिला दो तो 1 सेकंड बन जाएगा, और वही क्या मेरा सेकंड सेकंड है, क्योंकि एक तो यहां बीत गया, ठीक है। अब मुझे बताया सेम टाइम में वो सेम डिस्प्लेसमेंट करता है, तो आधे टाइम में 0.5 सेकंड में वो ऊपर गया और 0.5 में फिर से नीचे आया, तो मान लो वो डी डैश ऊपर गया तो डी डैश ही नीचे आएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चा, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आ गया, तो वापस इनिशियल पॉइंट पे आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरे पास जीरो। सेकंड सेकंड में आधा सेकंड ऊपर और आधा सेकंड नीचे, और टाइम सेम था बच्चा 0.5 और 0.5, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाएगा। बाय 1 कर दूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, जीरो। इतना पॉइंट बच्चा समझ में आया? किसी को समझ में ना आया हो तो प्लीज चैट बॉक्स में बता दो कि ये नहीं आया, आई रिपीट वन सेकेंड। सर 0.5 होगी, हॉरिजॉन्टली क्यों होगी बच्चा, वर्टिकली जाएगा, मैं दिखा रहा हूं आपको इसमें, लेकिन होगी तो वर्टिकली, फेंक तो ऊपर रहे हम, हॉरिजॉन्टल क्यों जाएगा, ये ऐसे गया, मेरे पास स्पेस नहीं है ना, इसलिए मैं दिखा देता हूँ कि नीचे आ रहा है वो, ठीक है जी। पराग जी ओके ठीक है बच्चा, तो सेकंड सेकंड का समझ में आ गया बच्चा। अब थर्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो थर्ड में देखो, पहले 1 सेकंड में वो चला डी, ये हम निकाल चुके हैं, और उस डी की वैल्यू हम वी जानते हैं, यहां देखो, ठीक है। फिर आधा सेकंड वो चला ऊपर, आधा सेकंड चला वो नीचे, यहां से लेके यहां तक 2 सेकंड बीत गए। अब थर्ड सेकंड में उसने नीचे आना है, तो यहां से लेके यहां तक वो कितना नीचे आया, डी ही नीचे आएगा भाई, मानते हो। तो मेरा फॉर्मूला क्या है, थर्ड सेकंड में चला कितना, वो चला डी, थर्ड सेकंड में चला वो डी, लेकिन नीचे की तरफ चला, ठीक है। हाँ, तो माइनस डी आएगा मेरे पास, नीचे चला तो माइनस डी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, मानते हो। तो डिस्प्लेसमेंट तो माइनस डी, टाइम मेरा 1, क्योंकि 2 से 3 का गैप कितना है 1, तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी आ गई। और हम जानते हैं कि d की वैल्यू क्या है, v, मैंने स्मॉल d ले लिया, एक्चुअली कैपिटल d लिखा था यहाँ पे, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या होती है, v, यहाँ पुट कर दूं मैं तो माइनस v बन जाएगा। तो थर्ड सेकंड में जो एवरेज वेलोसिटी है वो मेरे पास माइनस v आएगी। अब भी किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज टेल मी, आई विल रिपीट। क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक था क्वेश्चन? चलो गुड, सर इनकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा देखो बच्चा सुनो, क्वेश्चन में वैल्यू गिवन ही नहीं आपको, वी की टर्म में निकालना है आपको। तो जिन लोगों ने +15 20 निकाला वो चमत्कारी बालक थे, ठीक है, उन्होंने चमत्कार किया, +15 20 आपको वी की टर्म में ही निकालने थे आंसर, ठीक है, क्योंकि वैल्यू गिवन ही नहीं है आपको, ठीक है जी, समझ में आया। चलो बच्चा नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देता हूं करना, थोड़ी कॉमन सेंस लगाओ, काइनेमेटिक्स इज ऑल अबाउट कॉमन सेंस। एक सवाल दे रहा हूं, सवाल से सीखेंगे सब कुछ हम लोग। चलो अभी तो ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया था, अब मैं किसी टावर से प्रोजेक्ट करूंगा, फिर आपसे पूछूंगा सारे सवाल, ठीक है। तो बताना है आपको कैसे करना है, ठीक है। तो सुनो, मान लो एक टावर है मेरे पास, उसकी हाइट दे रखी है 40 मीटर, ये टावर है, इसकी ग्राउंड से हाइट दे रखी है 40 मीटर, और मैंने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ, यहां से कितनी रफ्तार से, 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया मैंने इसको ऊपर, ठीक है। तो उसने पूछा क्या है बच्चा, उसने पूछा है कि टाइम बताओ, देखो ये ऊपर जाएगा फिर वापस यहां आएगा फिर नीचे भी गिरेगा बच्चा, तो उसने क्या पूछा है, यहां से लेके इस पॉइंट ए से लेके ग्राउंड तक का टाइम कितना लगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो पहले मैं एक सवाल करा देता हूं आपको, ठीक है, या सजेशन दोगे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मुझे 2 तरीके हैं करने के, बताता हूं कैसे करना, सुनो। पहला तरीका,
फर्स्ट अप्रोच जो लंबी अप्रोच है, जो बच्चा सोचता है पहले, वो ये सोचता है कि देखो कि मैंने 10 से प्रोजेक्ट किया, 10 से प्रोजेक्ट किया तो पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो वो इससे ब्रेक कर लेता है कि यहां से लेके यहां तक का टाइम, 10 से प्रोजेक्ट किया वापस यहां पे कितने से आएगा, 10 से आएगा। बताया था जितने से प्रोजेक्ट करते हैं उतने से नीचे वापस आता है, और यहां तक का टाइम क्या होता है, t इज इक्वल टू क्या होता है, 2u/g, याद है ना, यहां से लेके यहां तक का टाइम u/g था, यहां से लेके यहां तक का टाइम u/g था, तो टोटल टाइम क्या था, 2u/g, तो 2 × 10/g यानी 10, तो क्या आ गया, 2 सेकंड आ गया। तो बच्चा पता लगा देता है कि यार ये यहां से लेके यहां तक का टाइम तो 2 सेकंड आ गया। अब वो क्या करता है कि यहां वेलोसिटी कितनी है, 10 नीचे की तरफ, ये हाइट दे रखी है 40, ठीक है, तो वो क्या करता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देता है और उससे यहां तक का टाइम निकाल लेता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस देखो नीचे की तरफ है, यहां से हम नीचे आ रहे हैं तो एस को क्या पुट करेगा बच्चा, -40 पुट करेगा, यू भी नीचे की तरफ है तो -10 × t पुट कर देगा, ए भी नीचे की तरफ है तो क्या है, -10 पुट करके यहां से t निकाल लेता है बच्चा क्वाड्रेटिक सॉल्व करके, वो t जो भी आएगा उस t में वो क्या करता है, 2 सेकंड जोड़ देगा और वो आंसर आ जाएगा। एक तो ये अप्रोच है, कितने लोगों ने यही अप्रोच सोची थी, चलो गुड है, जिसने सोचा अच्छी बात है, एक तो ये अप्रोच है बच्चा, ठीक है। अब इस अप्रोच से ना थोड़ा लंबा पड़ता है, देखो 2 स्टेप्स आगे, अगर मुझे एक ही स्टेप में करना हो ना तो कैसे करूं वो मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। ये अप्रोच गलत नहीं है बच्चा, थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया मान लो आपके पास, तो आप 2 स्टेप में करोगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी आपको, टाइम लग जाएगा, ठीक है। अगर फास्ट करना है कि 30 सेकंड में सवाल करना है या 40 सेकंड में सवाल करना है, आपको एक सिंगल स्टेप में पता होना चाहिए, वो मैं आपको डिस्कस करता हूं सिंगल स्टेप में कैसे करेंगे, ठीक है। आप सब लोग अच्छे बच्चे हो, वेरी गुड। चलो अब मैं सिखाता हूं नेक्स्ट अप्रोच कैसे करना, ये सेकंड अप्रोच की बात कर रहे हैं, इसी सवाल को दूसरी अप्रोच से करेंगे। देखो बच्चा, मेरे पास टावर था, ये इसकी हाइट दे रखी थी 40, पार्टिकल यहां था, ये पॉइंट ए मान लो, प्रोजेक्ट किया किससे मैंने, 10 से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, और फाइनली इसे पहुंचना कहां पे है, नीचे पहुंचना है, ठीक है जी। मैंने थोड़ा फार बना दिया लेकिन आएगा इसी लाइन पे मान लो, ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं इनिशियल पॉइंट मेरा ए है और इसको मैं बी मान लेता हूं, इस पॉइंट को बी, ठीक है, मुझे ए से बी का मोशन देख रहा हूं, ए से बी पूरा मोशन, उसको हमने मोशन को ब्रेक किया था, इसको ब्रेक नहीं कर रहे, पूरा कंटिन्यूस मोशन देख रहे। तो बच्चा मैं क्या करूं, देखो इसमें अगर मैं बात करूं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाने की चर्चा करूंगा पूरे मोशन में a से b में, अब आपको साइन बताने हैं बस मुझे खाली, ठीक है जी, जिससे पूछूं बता देना आप, ठीक है। अब a से b, पहले वो ऊपर गया फिर वो नीचे आया, लेकिन अगर मैं देखूं a से b तो a तो इनिशियल पॉइंट है और B मेरा फाइनल पॉइंट है, तो A से B रीच करने के लिए मेरी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी मानते हो, तो डिस्प्लेसमेंट तो बच्चा नीचे की तरफ है, और कितना डिस्प्लेस हुआ, 40 डिस्प्लेस हुआ। अगर मैं साइन कन्वेंशन फॉलो करता हूं, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव, तो ये बताओ मुझे S की वैल्यू क्या आएगी A से B, सब लोग बताओ, गुड, 0 क्यों बोल रहे हो, -40 इज राइट, गुड, नेगेटिव तो आएगी, -40 इज राइट, वेरी गुड बच्चा। देखो कुछ लोग 0 बोल रहे हैं, 0 कब आएगी, अगर मैं सेम पॉइंट पे आ जाऊं, मैं ए से बी देख रहा हूं बच्चा, ठीक है, ए से बी, तो ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना होता है, वो कितना है, 40 है, ठीक है भाई। एक बच्चे ने 0 लिखा था, प्लीज बता दो मुझे, ठीक है, आ गया समझ में, चलो
तो ए से बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है और ए से बी जा किधर रहा हूं मैं, नीचे जा रहा हूं तो माइनस 40, तो यहां क्या पुट कर दूं मैं, माइनस 40 पुट कर दूं। अच्छा अब बात करते हैं यू की। यू मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियली वेलोसिटी किस तरफ है, ऊपर या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ है इनिशियल वेलोसिटी। अब ऊपर वाली डायरेक्शन क्या लेता हूं मैं, पॉजिटिव लेता हूं, तो यू यहां पे क्या पुट करूं, प्लस 10 या माइनस 10, प्लस। गुड, शाबाश, वेरी गुड बच्चा। तो यू पुट करेंगे हम यहां पे 10 पुट कर देते हैं, प्लस 10 इंटू टी, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ए की वैल्यू, धरती माता जो है हमेशा नीचे ट्रैक करती है जी से, और जी की वैल्यू हम 10 लेते हैं, तो अब ए की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 10 क्योंकि नीचे की तरफ है, इंटू टी स्क्वायर। तो अब आप इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करो प्लीज, और आंसर बताओ मुझे टी की वैल्यू क्या आ रही है। प्लीज सॉल्व द क्वाड्रेटिक, आई होप आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है। क्या बन रही है इक्वेशन, क्या बन रही है मेरे पास, इक्वेशन बन जाएगी 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 इक्वल टू 0 बन जाएगा। अरेंज कर लो इसको, ये कट जाएगा ऐसे, यहाँ माइनस 5 उस साइड ले जाऊं तो इधर बन जाएगा। ठीक है बच्चा, तो सॉल्व कर लो इसे, टी की वैल्यू बताओ बच्चा, इजी है, सिंपली सिंपल आएगा इसका आंसर। रूट्स क्या आ रहे हैं, फोर और माइनस टू, यस गुड, दो रूट आ रहे हैं, एक तो फोर आ रहा है माइनस टू आ रहा है। शाबाश बच्चा, गुड बच्चा, सबके आगे लगभग, ठीक है गुड बच्चा। तो टी की वैल्यू या तो फोर आ रही है या टी की वैल्यू आ रही है माइनस टू। क्या नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल होती है कभी टाइम की नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या लूंगा टी इक्वल टू फोर। तो सिंपल हो गया बच्चा मेरे पास, जो आंसर मेरा आ गया है वो क्या आ गया, 4 सेकंड आ गया। तो उसको मैंने सिंगल स्टेप में सॉल्व कर दिया, मल्टीपल स्टेप्स की जगह मैंने सिंगल स्टेप में इसे सॉल्व कर दिया है। क्लियर है बच्चा सबको, हाँ जी चलो। तो बच्चा प्रॉब्लम को ना एनालाइज करो, और किस मेथड से आप कर सकते हो, पूरा ब्रेक करोगे तो लंबा हो जाता है, तो सिंगल स्टेप में करने की कोशिश करो जितनी प्रॉब्लम्स आपके पास होती हैं। ठीक है बच्चा चलो, अगर t इज इक्वल टू निकाल सकते हैं गिवन बाय u इज इक्वल टू 10 और h इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g से आ जाएगी 10 14 t इक्वल टू u। अप्रोच तो बहुत सारी कर सकते हैं बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि ये शॉर्ट है बेसिकली, ठीक है, इसलिए कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, यहां तक कोई तकलीफ। अब एक सवाल और करते हैं, चलो एक सवाल मैं आपको और देता हूं। ठीक है, एक टावर है मेरे पास ऐसे, इसकी हाइट दे रखी है आपको 40 मीटर। अब मैं पार्टिकल को ऊपर नहीं फेंक रहा हूं, पार्टिकल को नीचे फेंक रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, तो आपसे पूछा गया है कि बताओ टाइम कितना लगेगा नीचे पहुंचने, टाइम टू रीच द ग्राउंड, करो सब लोग प्लीज। क्या बात, सबके, किसी के 4 आ रहा है, किसी का 1 आ रहा है, मोस्टली 4 आ सबका आंसर।
गड़बड़ कर रहे हो बच्चा। प्लस टू गुड। जो लोग चार आंसर दे रहे हैं, एक बार रुको सुनो, जो लोग चार आंसर दे रहे हैं वो कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ी सी कॉमन सेंस ये लगाओ। पिछले सवाल में मैंने 40 से था और ऊपर 10 से प्रोजेक्ट किया था, तो टोटल टाइम चार आया था। अब तो नीचे फेंक रहा हूं तो टाइम तो कम ही आएगा, चार कैसे कर सकते हो तुम लोग? समझ में आया मेरा पॉइंट? जो लोग चार आंसर दे रहे हैं, पिछले केस में चार आया था मेरा, ठीक है जी, वो तो ऊपर फेंका तब आया था, अब तो नीचे फेंक रहा हूं। ठीक है बच्चा, जिनका आंसर चार है बताओ भाई, समझ में आ गया? चलो पुट करता हूँ, कोई बोली एक्सप्रेशन पुट करता हूँ। यूज क्या करेंगे हम लोग? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज करेंगे। ए से मान लो ये पॉइंट ए है मेरे पास और ये पॉइंट मेरे पास बी है, तो बच्चा एस की वैल्यू क्या आएगी? फिर से नीचे आ रहा है वो तो माइनस 40 आएगी, यू भी नीचे है तो माइनस 10 पुट कर दूं मैं यहाँ पे। ठीक है बच्चा, इंटू टी माइनस हाफ ए की वैल्यू फिर से माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी और दो रूट आएंगे मेरे पास, टी इज इक्वल टू 4 और टी इज इक्वल टू माइनस 4 और टी इज इक्वल टू आएंगे, तो आंसर जो आएगा वो टी इक्वल टू आएगा, माइनस 4 तो कोई पॉसिबल है ही नहीं। अब दो पार्टिसिपेंट ने हाथ खड़ा किया है, बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है? कि ए 10 कैसे आया? अच्छा सुनो, देखो बच्चा, जब भी आप फ्री फॉल करते हो ना बच्चा, ग्रेविटी के अंदर जब भी चीजें मूव करेंगी ना, तो एक्सेलरेशन हमेशा जी लेंगे और जी की वैल्यू हम 10 लेते हैं बच्चा। ठीक है बच्चा, स्नेहा जी जब भी हम बात करेंगे इसमें तो जी ही आए, ठीक है, और जी की वैल्यू 10, वैसे 9.8 होती है लेकिन हम लोग लेंगे क्या 10 ले। यहां तक कोई तकलीफ किसी बालक को? बताओ भाई, वन क्यों नहीं हो सकता? टी इज इक्वल टू माइनस 10/10। ओ वाह, सुनो जी चारू जी, देखो सुनो, इनका डाउट जेन्युइन है, सुनो, देखो बच्चा सुनो, ये कह रहे हैं, एक बच्चा मुझे पूछ रहा है कि सर आपने बताया था कि यू से प्रोजेक्ट करते हैं हम लोग तो ऊपर जाता है तो टाइम लगता है कितना, यू बाई जी लगता है, मानते हो बच्चा? तो इस केस में ग्रेविटी अपोज कर रही थी, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आया था? यू बाई जी आया था। ठीक है जी, यहाँ पे वेलोसिटी भी नीचे है, ठीक है, और ग्रेविटी भी नीचे है, तो ये अपोज कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ाएगा ये मेरे पास। ठीक है बच्चा, समझ में आया? और जो ये निकालता हूं मैं, सुनो एक बार सुनो, u बाई जी कब आया था मेरे पास? जब मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या हो, जीरो, जब ये यहां गिरने वाला है, गिरने जस्ट पहले, गिरने से जस्ट पहले क्या उसकी वेलोसिटी जीरो है? जीरो नहीं है, तो ये कैसे निकालते थे u बाई जी? वेलोसिटी को जीरो करके निकालते थे हम लोग हाईएस्ट पॉइंट पे, याद है बच्चा? तब मेरा u बाई जी आता था मेरे पास, लेकिन यहां तो वेलोसिटी जीरो होगी नहीं, गिरने के बाद मैं मानता हूं जीरो, टकराने के बाद तो हो जाएगी, लेकिन हम बिफोर टकराने की बात करते हैं। आ गया बच्चा? चारू जी, एक जो मिस्टेक आप कर रहे हो ना, आप वेलोसिटी को जीरो मान रहे हो फाइनली, वो फाइनली जीरो नहीं है, हम जो बात करते हैं जस्ट बिफोर टचिंग वाला। ठीक है बच्चा, चलो यहां तक कोई तकलीफ किसी बालक को भाई? आज के लेक्चर में कोई तकलीफ है बताओ? चलो बच्चा, मैं रिकॉर्डिंग तो मैंने कर ली, मैं शेयर कर दूंगा बच्चा, ठीक है, याद रखना सैटरडे को टेस्ट है, ठीक है जी, किसका? यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर का। किसी को कोई दिक्कत आई हो आज?
नेट में लैग किया हो कुछ भी, या स्क्रीन या साउंड कुछ समझ में ना आया हो, कोई बात नहीं स्नेहा जी, आप करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चा ठीक है, 1D का टेस्ट नहीं है बच्चा, आपका है यूनिट डायमेंशन का और एरर का। ठीक है, सैटरडे को टेस्ट लेंगे लाइव। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव आपके पास, वो आपको करने होंगे। चलो बच्चा आज के लिए इतना ही, नमस्कार।